Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. Today we will continue our the third lecture of Indian Polity in the same series, The Salient Feature of Indian Constitution. So till now we discussed four salient features of Indian Constitution. Now we are going to talk about some another features. Before that, do subscribe my Telegram channel for getting the PDF of this lecture. So today's topic is parliamentary form of government. So as all of you know that what is the meaning of parliament? Parliament ka matlab kya hota hai? It is a body which makes law in our country, right? So in our country India, we have the parliamentary system, right? Which is based on cooperation and coordination between लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ये क्या होता है ध्यान से देखिए. इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन. द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशियरी. सो ऑल ऑफ यू नो दैट लेजिस्लेचर, द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ, द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू implement the law, and the judiciary works for giving justice, right? So in our country, the legislature and executive do not have watertight separation. What does it mean? Iska matlab ye hai ki hamara legislature aur executive dono ka kuch part common hota hai, mila hua hota hai, right? That is why you will look in India that jo members of parliament hote hain वही एग्जीक्यूटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज द एग्जीक्यूटिव इन आवर कंट्री? प्राइम मिनिस्टर, राइट? ठीक है, देन ऑल द मिनिस्टर्स ना. सो ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे जो एमपी होते हैं वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, राइट? सो इन दोनों के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है, राइट? अनलाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अमेरिका में क्या होता है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एंड वहां पर लेजिस्लेचर अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होता है. वहां का जो प्रेसिडेंट है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो डायरेक्टली चुन के प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट? और जुडिशरी तो खैर अलग होता ही है, राइट? तो हमारे कंट्री में ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेकिन हमारे ये दो ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है. इनमें थोड़ा सा कॉमनैलिटीज है. वो क्या है, ये एमपी ही एग्जीक्यूटिव बनता है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स बनते हैं, राइट? ओके, सो द पार्लियामेंट सिस्टम इज आल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये अदर नेम है, आपको ये नाम याद रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, so some of the features you should know about the parliamentary form of government. ye kya hai, presence of nominal and real executive. what is nominal executive? the president of india, right? president of india does not have real powers, right? inke paas real power nahi hota. inka kaam kya hota hai, sirf sign karne ka hota hai bill ke upar. अगर कुछ पावर्स को छोड़ दिए जाए तो ये सारे पावर्स जो है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं, वो सब सजेशन बेस्ड होते हैं. ये सजेशन कौन देता है? जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, राइट? कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे रियल एग्जीक्यूटिव हैं जो सजेशन देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है. हमारी कंट्री में मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो रूल करती है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का टू द लेजिस्लेचर. सो यू नो, आपने कभी कभी देखा होगा पार्लियामेंट में कि जब डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा होता है तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं. किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राइट? ठीक है, सो ऑल दीज पीपल, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये सभी लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर उनसे क्वेश्चन पूछेगा उनको आंसर देना पड़ता है, राइट? मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, एज ऑल ऑफ यू नो दैट
जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, राइट। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है देखो, एक महाराष्ट्र का एक न्यूज आ रहा है जहां पर कि उद्धव ठाकरे जो है राइट, उनको चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वो एमएलए नहीं है, राइट। तो इनको 6 महीने का टाइम दिया गया था जिस समय ये चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, उनको 6 महीने का टाइम दिया कि आप 6 महीने के अंदर क्या बन जाओ, एक एमएलए बन जाओ। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ जगह पर इलेक्शन बचे हुए थे वहां पर इलेक्शन नहीं हो पाया, इलेक्शन नहीं हो पाया तो जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अभी के, वो इलेक्शन लड़ नहीं पाए, इलेक्शन लड़ नहीं पाए तो वो जीत नहीं पाए, राइट और नॉट। तो अभी ये सिचुएशन आ रहा है कि 6 महीना उसका होने वाला है, तो अब उनको हो सकता है कि यहाँ से सीएम पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़े। इट मीन्स दैट कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या किसी रेलवे मिनिस्टर्स हो, दीज मिनिस्टर्स मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमपी होना चाहिए या एमएलए होना ही चाहिए, राइट। यहाँ पर जो लीडरशिप होती है वो किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो डिफेंस, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सभी किसके गाइडेंस में काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस में काम करते हैं। देन डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। सो हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। आई नो, आई थिंक आपको ये सारा बात पता होगा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, इनको लोग द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा जो है ये कौन चुनता है? स्टेट की जो असेंबलीज हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स इनको चुनते हैं, राइट। हम इसको देखेंगे बाद में भी। सो ये जो लोकसभा है ये डिसॉल्व होता है हर एक 5 साल में, या फिर अगर किसी तरह का मेजोरिटी ना मिले, मेजोरिटी सपोर्ट ना हो किसी पार्टी को, तो ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नरेंद्र मोदी। 2019 में फिर से इलेक्शन हुआ, राइट। इलेक्शन होने के बाद जो पहले वाला लोकसभा का इलेक्शन था वो डिसॉल्व हो गया, पहले वाला लोकसभा क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया और नया लोकसभा बना इन 2019, राइट। सो अगेन 2014 में क्या होगा? ये वाला डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से नया एक लोकसभा बनेगा। तो टेन्योर कितना साल का होता है? 5 साल का होता है लोकसभा का मैक्सिमम टेन्योर। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया, ये क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा फैमिलियर था, और ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ब्रिटेन में भी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। हाउ? देखो, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, राइट, वो एक सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन चेंज एनी लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ अबॉलिश कर सकती है, अल्टर कर सकती है। जुडिशरी कैन नॉट, ठीक है, जुडिशरी इसके लॉ बनाने के जो पावर्स हैं पार्लियामेंट के, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। बट इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट। इंडियन पार्लियामेंट में कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हमारा जो जुडिशियरी है उनको एक पावर दिया गया जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स कि जो हमारा जुडिशियरी है वो हर एक लॉ को चेक करता है कि दैट वेदर दिस लॉ इज इन कॉपरेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगेंस्ट जा रहा है, राइट। अगर ऐसा लॉ कोई पार्लियामेंट बनाती है तो क्या करेगा ये जुडिशरी? उस लॉ को इनवैलिड बता देगा, राइट और नॉट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ठीक है। पार्लियामेंट को भी सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशरी उसको देखती है, राइट। देन इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। इंडिया में जो हेड होते हैं, ठीक है, कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? हमारा जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये याद रखना। इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, उनको चुना जाता है, राइट और नॉट। लेकिन जो ब्रिटेन है वहां पर जो हेड है वो कौन होते हैं? वो हेरिडेटरी होता है, राइट और नॉट। जो पहले के राजा थे वही बन रहे हैं, राइट और नॉट। सो आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज में भी आता है
नाम भी सुना होगा आपने, बकिंगम पैलेस का, राइट। सो ये राजमहल है कहाँ पर? ब्रिटेन में है, जहां पर कि ये राजा लोग रहते हैं। तो आज जो रानी है उसका जो बेटा होगा वो नेक्स्ट राजा बनेगा, राइट। दैट मीन्स वहां का हेड बनेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सेइंग दैट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, राइट। ये क्या होता है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन भी है, लेकिन कुछ कुछ पावर्स को लिमिट किया गया है विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। ये क्या होता है, देखो हमारे कंट्री में जो है, पहले हम ब्रिटेन की बात करते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल सॉवरेन बॉडी है, जुडिशरी इनके पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी काफी ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अमेरिका में जुडिशरी जो है वो थोड़ा पावरफुल है कंपैरिजन टू द पार्लियामेंट। तो आप देखो ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट पावरफुल है, अमेरिका में क्या है, जुडिशरी पावरफुल है। लेकिन हमारा जो इंडिया है दोनों का बैलेंस को बना के रखा है, ना तो ज्यादा हमारा पार्लियामेंट पावरफुल है ना ही ज्यादा हमारा जुडिशरी पावरफुल है, ठीक है। कैसे, देखो द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और उनको लगता है कि कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लॉ को इनवैलिड बता सकता है, ठीक है। इस पावर को हम क्या बोलते हैं, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। सो वी कैन से दैट पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इज पावरफुल, है ना। बट दूसरे ही तरफ देखो, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पोर्शन है उसको अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो पार्लियामेंट भी पावरफुल है, राइट। सो दोनों के बीच एक बैलेंस बना के रखा है ताकि पार्लियामेंट भी किसी तरह का गलत लॉ पास ना कर सके, राइट। और दूसरी ओर पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से अगर चाहे तो ज्यादा भी अमेंड कर सकते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट फीचर है द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हाट इज इट, हमारे जो कंट्री में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो लेवल वाइज है। सबसे लोअर लेवल पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कोर्ट्स आता है, उससे ऊपर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट आता है। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि ये तीनों कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को ही फॉलो करती है। हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जस्टिस देने के लिए ये तीनों कोर्ट जजमेंट दे सकती है। लेकिन अगर आप अमेरिका चले जाओगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर फेडरल लॉ अलग होता है, फेडरल कोर्ट अलग होता है। व्हाट इज दिस फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरल कोर्ट क्या होता है, जो पूरे अमेरिका की लॉ है, जो पूरे अमेरिका पे लागू होता है उसको फेडरल लॉ बोलते हैं। तो फेडरल लॉ से रिलेटेड अगर किसी तरह का पनिशमेंट देना हो तो वो फेडरल कोर्ट देती है। वहीं अगर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड किसी तरह का सब्जेक्ट हो, किसी तरह का क्राइम हो, तो वहां पर स्टेट कोर्ट होता है, वो उसके रिलेटेड कोई फैसला सुनाती है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल की किसी तरह का एक लॉ, टेक एन एग्जाम्पल की किसी स्टेट, न्यूयॉर्क में जो है कोई एक लॉ है कि यहाँ पर जो है स्मोकिंग करना प्रोहिबिटेड है, राइट। टेक एन एग्जाम्पल ये कि न्यूयॉर्क का ये लॉ है, तो अगर कोई वहां पर सिगरेट पीता है तो फेडरल कोर्ट में ये केस नहीं जाएगा, ये केस कहाँ जाएगा, स्टेट कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में ये ऐसा हुआ है, राइट और नॉट, ठीक है। सो दिस इज हाउ देयर कोर्ट आर डिवाइडेड एंड डिफरेंट कोर्ट आर गिविंग जजमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, राइट। ओके, सो आई एम रिटेन एवर ईयर, और पढ़ लेना आप इसको। कम टू द नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड, मैंने बताया, ठीक है।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि हमारा जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे के पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। इनका अपना डिसीजन होता है, कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा जुडिशरी है वो एक अच्छा डिसीजन दे पाए, कोई दूसरा उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, कोई दूसरा के प्रेशर की वजह से जो हमारा डिसीजन है जुडिशरी का वो चेंज ना हो, ठीक है। सो क्या क्या है? सबसे पहला तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, कि जो जज एक बार अपॉइंट हो जाता है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, राइट, उसको रिमूव करना इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि रिमूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यू कैन से उसको हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये तो पहला हो गया। सेकेंड, सो इस बात को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि आज तक हमारे कंट्री में एक भी जज को हटाया नहीं गया उसके पोस्ट पर। फिक्स सर्विस कंडीशन है नेक्स्ट फीचर, ठीक है। व्हाट इज इट? इसका मतलब है कि जो जजेस का जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, ये फिक्स्ड है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। जो सैलरी आज है उससे कम नहीं हो सकता जजेस की सैलरी, राइट। जो भी खर्चे हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे खर्चे हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है, पूरे इंडियन गवर्नमेंट की जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर चार्ज होती है। चार्ज होने का मतलब, देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक तो वोटिंग के थ्रू, पार्लियामेंट में वोट करना है पहले कि मुझे इस फंड से 10,000 करोड़ रुपए चाहिए ब्रिज बनाने के लिए। तो ब्रिज बनाने के लिए अगर 10,000 करोड़ रुपए चाहिए तो वोटिंग होगा पार्लियामेंट में, तब जाके ये 10,000 करोड़ रुपए बाहर निकलेंगे, राइट और नॉट। सो जैसे आपने देखा होगा बजट पास होता है हर एक साल फेब मंथ में, तो व्हाट इज इट, पैसे निकालने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए ये बजट पेश किया जाता है ताकि बाद में अकाउंट से पैसे निकाले जा सके। लेकिन जो भी खर्चे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उस पर किसी तरह का वोटिंग नहीं होता, राइट, वो डायरेक्टली यहां से निकाला जा सकता है विदाउट एनी वोटिंग, राइट। क्यों ऐसा किया गया? ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो इस बात पर डिपेंड ना करे कि लेजिस्लेचर उस पर वोट करेगा, पार्लियामेंट वोट करेगा, तब पैसे आएंगे, तब काम होगा, ठीक है। सो सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, राइट। देन किसी भी तरह का जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता है लेजिस्लेचर में। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, ठीक है, वो फैसला सही है या गलत है इसके ऊपर किसी तरह का डिस्कशन लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता है, ना तो पार्लियामेंट में, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में, राइट। अगर इस तरह का कोई चर्चा करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, राइट। तो इसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट का तो कोर्ट उसको पनिश कर सकती है, राइट। देन कोई भी जज को ये बैंड होता है कि कोई भी जज जो है लॉयर नहीं बन सकता है कोर्ट में, राइट, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई रिटायर हो गया 60 ईयर के एज में और वो जज बनना चाहता है या जज के लॉयर बनना चाहता है और वो लॉयर प्रैक्टिस करना चाहता है कोर्ट में, तो वो अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? इसका रीजन ये है कि हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई दो जज है ए और बी, ए रिटायर हो गया, राइट, और ये लॉयर बन गया। अब सोचो कि ए और बी में किसी तरह की दोस्ती होगी या नहीं होगी। सो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि जज बी कैन फेवर हिम, राइट और नॉट, फ्रेंड हो सकता है इसलिए फेवर कर सकता है। तो दैट्स व्हाई रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का लॉ को प्रैक्टिस करने का इजाजत नहीं होता है, राइट। हालांकि वो किसी दूसरे बॉडी में अपॉइंट किए जा सकते हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वहां पर रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जाता है। ये सारा टॉपिक हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में ही लॉयर नहीं बन सकता, राइट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी बिल्कुल अलग है, इसको किसी से मतलब नहीं है, एग्जीक्यूटिव से ना ही लेजिस्लेचर से,
right? So that's why we can say that the judiciary in India is independent, right? So I think it is done for today. Tomorrow we will discuss the next topic of this same series. Thank you. Have a nice day.